आगरा, अपर मुख्य सचिव के निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप। अपर मुख्य चिकित्सक महेश गुप्ता बुधवार को अचनेरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे तथा वहां पर गहनता पूर्वक जानकारी हासिल की। इस मौके पर मौजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जमकर लताड़ भी लगाई तथा जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि दो फार्मिस्ट, एक वार्ड बॉय, एक लिपिक, एक महिला चिकित्सक सहित 5 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने के उन्होंने आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी कर्मचारियों पर लगे भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की निष्पक्ष रूप से जांच करें तथा इन्हें शीघ्र इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट भी भेजें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुकेश वश ने बताया कि स्टाफ और कर्मचारियों की भारी कमी है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने निरीक्षण के दौरान अनेक गंभीर किस्म की खामियों को उजागर की। मुख्य सचिव के साथ जिलाधिकारी एनजी रवि कुमार, सीडीओ रविंद्र कुमार मानदंड, जिला विकास अधिकारी देवेंद्र कुमार, अपर पुलिस देहात अखिलेश नारायण, अपर जिलाधिकारी प्रशासन निधि श्रीवास, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप जिलाधिकारी, सीओ अचनेरा, थाना प्रभारी निरीक्षक, वीडियो बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित आदि लोग मौजूद रहे। देखने का मौका लगा है और यहाँ पर अभी हाल में यहाँ पर इसकी स्थापना बिल्डिंग की नई बनी हुई है, लेकिन अभी ठीक से ये स्थापित नहीं हुई है। पहली बात दूसरी चीज़, इस पर जो भी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से योजनाएँ चल रही हैं, यहाँ सुविधाएँ होनी चाहिए। अभी उस स्तर की सुविधाएं यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं और जो जानकारी हमने मांगने की कोशिश की कि क्या हुआ, कैसे कैसे क्या हो रहा है, उसके भी बहुत डिटेल सूचनाएँ हमको यहाँ नहीं मिल सकती हैं। लेकिन जो प्रथम दृष्टया चीज़ें निकल के आ रही हैं, यहाँ पर सुपरविजन का बहुत अभाव है। डॉक्टर्स भी रात में रुकना चाहिए, ऐसे नहीं रुकते हैं यहाँ पर। दवाओं की जो बातें कमी बताई जा रही हैं, अगर उसको भी प्रॉपरली यहाँ पर सुपरवाइज किया जाए तो दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। स्टाफ की भी कोई ऐसी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ उसमें सिर्फ ये बात है कि जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनका जो अभी सुपरविजन यहाँ होना चाहिए वो नहीं है, और निश्चित रूप से इस पर कहीं ना कहीं किसी के ऊपर कार्रवाई अवश्य कराई जाए। सर, अभी यहाँ पर किसी पर कार्रवाई नहीं है? नहीं, अभी हमने यहाँ पे कोई चीज़ नहीं कही है, लेकिन इस पर सोच विचार करके किसी न किसी के ऊपर जो सुपरवाइजरी लेवल है उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। ज़रूर सर, उतनी अनियमितताएं देखने को मिली हैं, क्या उनका एक समय से रहते हुए कार्रवाई हो पाएगी यहाँ पर स्टाफ? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई कराई जाएगी और निश्चिंत रहिए, ये बात उच्च स्तर पर मैं पहुँचाऊँगा और प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य संज्ञान में लाया जाएगा और भी उच्च स्तर पर इस सूचना को ला करके यहाँ के लोगों के खिलाफ जो शिथिलता है, ये चीज़ मैं पिछले 3 महीने से मीटिंग्स में भी देखता आ रहा था और आज वाकई मुझे ग्राउंड पर देखने को मौका मिला है। स्थिति अच्छी नहीं है, जो सुपरविजन जितना इफेक्टिव होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। ये बहुत ही खराब स्थिति है और सरकार की छवि खराब करता है। निश्चित रूप से इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई अवश्य होगी।